हेलो मेरे प्यारे मित्रों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद आप एकदम मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। भाई लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों, अभी हम अपने ताजमहल पे हैं दोस्तों। जी दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा सा ताजमहल। ठीक है दोस्तों, ये मेरा घर है प्यारा सा, और ये रहा मैं दोस्तों। और आज के ब्लॉग में आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, तो आपसे विनती है भाई लोग, वीडियो लास्ट तक यार देखते रहना। भाई मैं जितना भी वीडियो अपलोड करता हूँ थक गया हूँ कहते कहते, शुरुआत ही में कह देता हूँ वीडियो पूरा देखना है, पूरा देखना है, कम से कम आधा देख लिया करो यार। लेकिन भाई लोग कोई पूरा देखता ही नहीं चाहता है। यार क्या कमी यार, इतने अच्छे तो ब्लॉग बनाता हूँ मैं, उस कमी दिख रही तो कॉमेंट कर दिया करो यार, ऐसा मत बनाओ ऐसा बनाओ, तो ट्राई करूंगा। लेकिन ना ही आप अच्छे कॉमेंट करते हो, कॉमेंट तो करते हो लेकिन ऐसा कॉमेंट किया करो, मेरी गलती पकड़ा करो, मैं वीडियो में ये गलती कर रहा हूँ उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। भाई ऐसा नहीं मैं बुरा मानूंगा, कोई बात नहीं भाई, आप कॉमेंट कर सकते हो, जब आप भी गलती बताओगे तभी दोस्तों मैं उसको सुधार पाऊंगा। ठीक है, तो कॉमेंट जरूर करना। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है ठीक है, अगर ये अच्छे नहीं लगते और किसी प्रकार के ब्लॉग चाहिए तो वो भी कॉमेंट कर देना, अच्छे अच्छे ब्लॉग डालता रहूंगा। लेकिन अभी दोस्तों हम अपने घर पे ही हैं, तो सब लोग भाई लोग अंदर हैं, जो थोड़ा खाना पीना चल रहा है, इसके अंदर कुछ भी दिखा सकता भाई लोग। कि भाई लोग ये ताजमहल ना, इसमें लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई लोग, ताजमहल के अंदर भाई लाइट नहीं चलती भाई, ऐसा ही ताजमहल हमारा, इसलिए अंदर नहीं दिखा सकता। क्या ही करूँगा दिखा के, कुछ दिख रहा है आपको क्या? नहीं दिख रहा है ना, अंधेरा बहुत ज़्यादा, क्या पता आपको टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाए, तो बस इसको दिखा सकते हैं। ये मूर्ख लड़की है जो हर वक्त क्या करती है, टाइम पास। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों अपना मैं ताजमहल का ये रसोई घर दोस्तों वो दिखा सकता हूँ दोस्तों। ये हमारा प्यारा सा रसोई घर दोस्तों, जहाँ दोस्तों हमारा खाना वाना बनता है, और ये चूल्हा है जहाँ दोस्तों कई दिनों से खाना नहीं बनना है, लगातार बारिश हो जाती है। देखो अभी चूल्हा गीला दिख रहा होगा आपको, लगातार दोस्तों बारिश हो जाती है जिसके कारण हमारे रसोई घर में पानी भर जाता है, तो खाना यहाँ नहीं बन पाता। अंदर एक छोटा सा चूल्हा हमने बना लिया है, उस पर दोस्तों हम खाना पीना बना लेते हैं अंदर ही, तो बस ये दोस्तों हमारा होता है। और बाकी सब आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये हमारी फसल। ये दोस्तों जो लोग नए आते हैं ना उनको मैं दिखाता हूँ हर बार, कि दोस्तों काफ़ी लोग नए आते हैं उनको मेरा नॉलेज ज़्यादा नहीं होता, तो उनको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये रहा मेरा फसल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इधर लोबिया का, उधर भिंडी का, जो हम डेली सुबह सुबह उठ के तोड़ते हैं, जो रेगुलर देखते हैं उनको पता ही होगा, नहीं देखते तो जो नए आए उनको अब मैंने बता ही दिया। ये मेरा घर और मेरा नाम है दिनेश। ठीक है दोस्तों, आगे पीछे कुछ नहीं लगाता मैं, बस एक इंसान हूँ, इंसान की तरह जीता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूँ दिनेश, मेरा रियल नेम दिनेश ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हम दोस्तों खेतों में एक प्यारा सा ताजमहल बना के रहते हैं, तो अभी भी रह रहे हैं दोस्तों और रहते रहेंगे, पता नहीं कब तक रहेंगे, जब तक किस्मत के ताला एकदम खुल नहीं जाता तब तक रहेंगे। बस आप लोग खोल सकते हो वो ताला, आपके पास चाबी है दोस्तों, लेकिन चाबी को आप समझ नहीं पाते हमारे पास क्या चाबी है। भाई आपके पास बहुत पावर है भाई लोग, चाहो तो मेरी वीडियो को एकदम बूस्ट करा सकते हो, ना चाहो तो कुछ भी नहीं, तो करा दो यार बूस्ट, आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, प्यारे पर करा दो। ठीक है दोस्तों, तो अभी दोस्तों हम घर पे हैं, तो आगे बढ़ते वीडियो में देखते क्या होने वाला है। भाई लोग मैं आपसे बात कर रहा था कि बारिश आ सकती है, लेकिन देखते देखते बारिश भी आ गई है। गुंदे में हल्के निकलने लगे, मेरा भाई जो कपड़े निकाल रहा है यहाँ से, जो हमारे सूखने के लिए डाले थे मम्मी ने डाले थे, उनको निकाल रहा है। क्योंकि दोस्तों ये देखो पिन्नी बापू दिखी रहे होंगे आपको, ऐसे नहीं दिखेगी, ये देखो आगे ने गूंदे, ये देखो हल्के हल्के गूंदे आने स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पहले कपड़े निकाल लेते हैं, दोस्तों कपड़े नहीं निकाले तो ये भीग जाएंगे। दोस्तों इनको यहाँ से हटाते हैं, अंदर लेके चलते हैं भाई लोग उनको, क्यों अच्छा गीले को छोड़ना भाई, देख रहे हो भाई लोग, भाई मेरी बेइज्जती हो जाती है। ठीक है, ये कपड़े गीले थे इनको छोड़ना है, और जो सूखे उनको लेके जाना है, एक बार टच करके देखना पड़ेगा कौन से गीले कौन सूखे, सारे गीले लग रहे हैं मेरे को, तो भाई सूखा तो एक भी नहीं इसमें से, छोड़ो काम बच गए यार। और मम्मी अपना काम कर रही हैं, यानी दोस्तों लकड़ी रखी तो सूखने के लिए बाहर, उनको अंदर कर रही हैं, कभी ऐसा हो फिर से बारिश हो जाए फिर से खाना नहीं बन पाए अंदर, लकड़ी भी ज़्यादा खाना नहीं बन पाता है, चूल्हा भी जाता है। और इससे दोस्तों यहाँ से उठा के मम्मी जी ने जो अंदर रख दिया सारी लकड़ियाँ, और मैं भी सारा कुछ अंदर रखता हूँ, मम्मी ने लकड़ी को अच्छा ढक दिया है ताकि पिंडी जगह जगह फटा हुआ है, जैसे पानी सीधे नीचे आता है और ये भीग जाते हैं दोस्तों हमारी जी लकड़ी है ना, तो सारे इंतजाम पहले हमको करना पड़ता है। और क्या रखने को अंदर है, और तो कुछ शेष नहीं बचा है रखने को, बस कपड़े थे जो अभी गीले हैं उनको नहीं रखना है, और कुछ भी शेष नहीं है रखने को। ठीक है, तुझे रखना है भाई, तू भी अंदर जा, भीग जाएगी। तो पकाएंगे किसको भाई, बनाने को रखा है तो उसको तो बनाएंगे तेरे को, तो अंदर रह, तो गीले हो गए बनाएंगे किसको फिर। देखो आ गई, बहुत चाल आ गया भाई, बनाने रखी थी कोई ना, तुझको नहीं बनाएंगे आज, मूली बना लेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई लोग, अभी जो है हो चुकी है दोस्तों सुबह, दोस्तों ज्यादा दोस्तों अब सुबह हो चुकी है, और सुबह का मौसम इस प्रकार से है, तो ये देखो दोस्तों एकदम मस्त। और हमारे घर पे सब लोग जो है रसोई घर में, दोस्तों अभी लंच का सामान बना जा रहा है, मम्मी जी है, मेरा भाई वो है, तो क्योंकि लंच अभी स्कूल के लिए बांध के लेके जाएंगे हम,
दोस्तों जो कुछ खाते हैं स्कूल में खाते हैं, घर तो खाते नहीं है, फिर स्कूल से आके बाद में खाएंगे और स्कूल को निकल जाएंगे 8 बजे, पहले पहले निकलना होगा। तो अभी दोस्तों लंच हमारा तैयारी हो रहा है और लंच की सब्जी पता नहीं क्या बनने वाली है। तो मम्मी स्कूल को क्या बनाओगे? आलू की सब्जी। आलू की सब्जी? हाँ। अच्छा आलू बोल रहे हैं, आलू और रोटी है ना? हाँ। दोस्तों इसमें बनना है आलू की सब्जी, यानी आलू बन रहे हैं दोस्तों इसमें, फिर इसका दोस्तों सीधे रोटी बनेगी दोस्तों हमारे घर पे। ठीक है, मेरा भाई बोरा जो पता क्या खाए जा रहा है, जो ऐसे खाता रहता कुछ ना कुछ। ठीक है दोस्तों, तो अभी चाय बन रही है मेरे घर पे, नहीं सॉरी आलू बन रहे हैं, चाय तो बन गई, चाय पी रही मेरी मम्मी जी, और आलू जो है बनेंगे थोड़ी देर तक, तब तक दोस्तों वेट करो। और उससे पहले दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, हो सकता है आपको स्कूल से आने के बाद ही मिलूँ, या फिर हो सकता है ब्लॉग एंड ही कर दूँ, उस पता नहीं मेरा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम भाई लोग ब्लॉग एंड कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों स्कूल से आने के बाद तब तक दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट हो जाएगा। अब ये वाला कहाँ ले करूँगा, अपलोड भी करना भाई लोग। ठीक है दोस्तों, करते भाई लोग वीडियो है, पसंद आए तो एक लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कोई भी ढूंढना ही मत, सारा काम कर देना। ठीक है दोस्तों, और प्यार से कमेंट भी कर देना मेरे लिए, प्लीज़ आप। ठीक है, मैंने कल सुबह एक नई वीडियो को साथ ही, तब तक लीजिए हिंदू।